रुझान देखने को आया है, वो काफी रोचक है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? श्योपुर का जो परिणाम आया है उसमें 8 भारतीय जनता पार्टी को सदस्य मिले, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हम 8 नहीं, हम 14 हैं। जो लोग हमारी विचारधारा के हैं, जनता ने उनको भी आशीर्वाद दिया है, और इसके बाद हमारी सबसे बातचीत हो गई है, सभी हमारे साथ हैं। इस प्रकार 8 और 6 जो हमारी गिनती है वो 8 नहीं है, हमारी गिनती 14 है। नगर पालिका श्योपुर में अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बैठने वाला है। विजयपुर में भी जो जनता ने जो आशीर्वाद 6 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को दिया है, एक वहाँ जो निर्दलीय है वो हमारा चुनाव हमारी विचारधारा का है, चुनाव लड़ गए थे, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, एक व्यक्ति और है। ऐसे 8 हमारे पास वहाँ भी, हमको 8 लोगों का समर्थन प्राप्त है, और विजयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनने वाली है, परिषद बनने वाली है। दूसरा सवाल ये अध्यक्ष जी, जिस तरह से कि विजयपुर के अंदर जो जिस तरह से मतलब दिग्गजों के बाढ़ से भारतीय जनता पार्टी हार गई है, उस पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस विषय में तो जनता को जो लगता है कि हमारे लिए बेहतर विकल्प कौन है, जनता उनको चुनती है, और जनता उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो लगातार जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। कहीं ना कहीं हमको जो लोग ऐसे हैं, जो मैं किसी भी दल के हो सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव हार गया है, जिसने जिसको जनता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को अपने जिसको हम कहते हैं हमारा व्यवहार, हमारे काम करने की शैली, लोगों के बीच में जिस प्रकार जाकर काम आप करोगे तो लोगों के दिल में जगह बनेगी, और जब बने जगह बनेगी तो आगे आपको अवसर मिलेगा। इसमें हार का मुख्य कारण किसको? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।